भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। भारतीय मीडिया में तो इससे जुड़ी खबरें छाई ही हुई हैं। इंडिया इज ऑन द मून। लेकिन विदेशी मीडिया में भी भारत की इस उपलब्धि की चर्चा खूब हो रही है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। चांद पर पहुंचने के लिए अमेरिका ने जो रॉकेट सालों पहले इस्तेमाल किए थे, भारत ने उससे भी कम शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। बल्कि सही स्पीड के लिए चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए, जिसके बाद उसने चांद की तरफ छलांग लगा दी। लेखक डेविड वॉन रियली ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। उनका कहना है कि भारत की ये कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। उन्होंने रूस के लूना 25 की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा है कि ये लैंडर चांद की सतह की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे रूस के ताबूत की आखिरी कील की तरफ हथौड़ा बढ़ रहा हो। चंद्रयान 3 की सफलता को ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भी जगह दी है। अखबार लिखता है कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। अखबार लिखता है कि इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो कुछ ही महान देश कर सकते हैं, और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। देश में अगले साल चुनाव होने हैं और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। अखबार ने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का वारंट होने के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग नहीं गए, लेकिन अगर वो वहां होते तो आमने सामने मोदी को मुबारकबाद देना उनके लिए थोड़ा अटपटा होता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस रिसर्च में एक नया चैप्टर बताया है। इसी लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा है। लेख में लिखा गया है कि भारतीय नेता एक ऐसे बहुध्रुवीय वैश्विक ऑर्डर के पक्ष में बात कर रहे हैं जिसमें भारत की अहम भूमिका होगी। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी की पार्टी एक बार और सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना उसके अभियान के प्रमुख संदेश में से एक है। आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में विकास को मोदी अपनी छवि के साथ जोड़कर दिखाते रहे हैं। अखबार लिखता है कि मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अलग अलग समुदायों के बीच भेदभाव मिटता हुआ दिखा। मिशन की सफलता के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं की गईं। टाइम्स मैगजीन में जेफरी क्लूगर लिखते हैं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस लगी थी। रूस के लूना 25 ने सीधा रास्ता लिया और चंद्रयान से पहले चांद तक पहुंचा, लेकिन चांद की सतह पर उतरते वक्त वो क्रैश हो गया। वहीं CNN लिखता है कि चांद के लिए 60 और 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी, उसके बाद अब एक दूसरी रेस शुरू हो गई है और इसमें भारत एक अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है।